हेलो डियर, टुडे डिस्कस डायरेक्शन नेक्स्ट पार्ट। आपने अगर इसका बेसिक पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले वो देखें, आफ्टर दैट ये समझ आएगा। ओके, तो इसका आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए मैन इज फेसिंग साउथ। ओके, फेस किधर है? साउथ के अंदर। और टर्न हो जाता है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट में। और उसके बाद 180 डिग्री क्लॉक वाइज इन राइट साइड। ओके, तो उसका फेस बताना। ओके, तो ये हमारा डायरेक्शन मैंने बताया था। जो हमारा फेस होता है वो डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ। ओके, और हमारी बैक होती है वो होती है हमारी साउथ। राइट हैंड में हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट। और लेफ्ट हैंड में कौन सी होती है? वेस्ट। ओके, अब इसके अंदर बताए 135 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो साउथ में फेस इधर है, साउथ में है फेस। तो ये हमारा ऐसे अगर जाएगा तो क्लॉकवाइज, और ऐसे जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा होगा यहाँ तक 90, और 90 ये मैंने बताया था 45 45 के हो जाएंगे। तो ये 45 19 45 जोड़ प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 135 डिग्री। ओके, ये हमारा एंटी क्लॉक हो गया। उसके बाद क्या कहता है? एंटी क्लॉक हो गया, उसके बाद में 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहाँ से हम लेंगे 180 डिग्री क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन से यहाँ स्टार्ट करें। तो यहाँ से स्टार्ट करें तो 135 तो हो गया, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ तक 100, ये हमारा हो गया ना 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री का, यहाँ तक 180 डिग्री का। तो ये डायरेक्शन बताने का था, ये डायरेक्शन कौन सी है? तो कौन सी है? साउथ वेस्ट। क्या हो जाएगा आंसर? आ जाएगा साउथ वेस्ट। ओके, ये आंसर आ जाएगा। इसका मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर आप क्या करना, जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, ज़्यादा वाली में से हमारी जो मोर कौन सी है? 180 है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और ये है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, और 135 है क्लॉकवाइज। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा 5 बचा, और ये बचा 4। अब ये 45 डिग्री। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आए जो मेन का फेस किस तरफ है? साउथ में है। तो आप क्या करना, इसको उस डायरेक्शन में चलाना जो ज़्यादा वाली है। ज़्यादा हमारी कौन सी? क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा आंसर आएगा वो हमारी उस डायरेक्शन में चलाना है जो ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारी ज़्यादा कौन सी है? क्लॉकवाइज है। तो हम यहाँ से क्लॉकवाइज चला दें 45 डिग्री। तो यहाँ तक चला दें हमने, यहाँ साउथ में था, तो यहाँ से हम यहाँ चलाएंगे तो 45 डिग्री, तो आंसर आएगा साउथ वेस्ट। ये ट्रिक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो ज़्यादा है ज़्यादा वाली की तरफ चलाना है। ज़्यादा कौन सी थी? एंटी क्लॉक ना, क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। ज़्यादा कौन सी है? क्लॉकवाइज। तो हम जहाँ आदमी का फेस था उधर से हम जो ज़्यादा उस तरफ चला देंगे, तो कितना चलाएंगे? 45 का क्लॉकवाइज। ओके, तो आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नेक्स्ट, ए मैन इज फेसिंग वेस्ट में है। फेस किधर है? वेस्ट में। तो हमें पता है जो हमारा फेस होता है वो नॉर्थ में होता है, बैक होती है वो साउथ में होता है, राइट एंड ईस्ट में होता है, और लेफ्ट का होता है वेस्ट में होता है। ओके, तो फेस हमारा इधर है वेस्ट के अंदर, और टर्न 45 क्लॉकवाइज। ओके, तो क्लॉक हमारी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है क्लॉक। ओके, ऐसे क्लॉक घूमती है। अगेन 180 क्लॉकवाइज, फिर दोबारा क्लॉकवाइज ऐसे घूमा, एंड देन टर्न 270 एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर फेस हमारा इधर है तो हम यहाँ तक जाएंगे, 45 यहाँ तक हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद में अगेन फिर यहाँ से हम 180 लेंगे, तो ये 45 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और यहाँ तक आ जाएगा, तो ये 180 हो जाएगा। उसके बाद टर्न 270 एंटी क्लॉकवाइज, फिर हम यहाँ से वापस चलेंगे, तो यहाँ से और हम यहाँ तक गए तो 180 ये हो गया, प्लस में 45 ये हो जाएगा, तो 225, और फिर यहाँ तक आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 270। तो आंसर क्या आएगा? साउथ वेस्ट। इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। पहले हम क्लॉकवाइज कितना चला, एक बार चला 45, कितना चला 45, फिर दोबारा चला 180, कितना चला 180। हम क्लॉकवाइज दोनों को प्लस कर लेंगे, क्या कर लेंगे दोनों को प्लस, तो ये हो गया 225 डिग्री। ओके, उसके बाद में एंटी क्लॉक कितना चला, 270 डिग्री, और क्लॉकवाइज हमने कर लिया 225। इन दोनों को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ से 5 और यहाँ से 4। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा कौन सा, एंटी क्लॉक है ना, फेस कहाँ था,
ज्यादा उस तरफ ही चलाना है, एंटी क्लॉक चलाना, क्योंकि एंटी क्लॉक वाल ज्यादा है। तो 45 डिग्री यहाँ था हमारा, तो एंटी क्लॉक चला देंगे, तो क्लॉक तो ऐसे चलती है, एंटी क्लॉक हम चला देंगे ऐसे, तो ये आ जाएगी हमारी, यहाँ आ जाएगा 45, यहाँ से यहाँ चले, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट, आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। ओके अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर साउथ में, 5 किलोमीटर साउथ में, उसके बाद में टर्न राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट वॉकिंग 5 किलोमीटर, तो विच डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ये हमारा फेस है वो नॉर्थ में, बैक साउथ में, राइट हैंड ईस्ट में, और ये लेफ्ट हैंड वेस्ट में। ओके, तो 5 किलोमीटर साउथ में चला, तो ये हमारा साउथ है, तो साउथ में चला यानी 5 किलोमीटर। ओके 5 किलोमीटर, आफ्टर दैट क्या हुआ, राइट। तो देखो आपका जो राइट है, आपका वो राइट है, तो साउथ में आप फेस करोगे, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा, लेफ्ट आप जैसे बैठे हो टर्न बिल्कुल अपोजिट घूम जाओ, तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा राइट। ओके, ये कंसेप्ट ध्यान से सुनना, आपका जो फेस है नॉर्थ की तरफ है तो आपका राइट ये है और लेफ्ट ये है, और साउथ की तरफ हो जाएगा तो आपका लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा। तो आप राइट राइट चला कितने किलोमीटर, वॉकिंग 3 किलोमीटर, तो यहाँ से आप 3 किलोमीटर इधर चले, ये हो जाएगा हमारा 3 किलोमीटर। ओके 3 किलोमीटर, और उसके बाद में टर्न लेफ्ट, अब आप लेफ्ट लोगे, आप जा रहे हो वेस्ट में, अब वेस्ट की तरफ फेस अपनी है ना, गर्दन को घुमाना ऐसे और वेस्ट की तरफ देखना, तो आपका क्या हो जाएगा, राइट तो ऊपर वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट, और ये आपका नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। ओके ये हो जाएगा लेफ्ट, तो आप 3 किलोमीटर चला। ओके 3 किलोमीटर चलने के बाद में वॉकिंग लेफ्ट हुआ, तो लेफ्ट हमारा नीचे की तरफ, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, और ये कितना चला, 5 किलोमीटर, कितना चला, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो नाउ इन विच डायरेक्शन इज द फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट से बताना, हम यहाँ से चले थे तो इस पॉइंट से, तो हम यार ये पॉइंट है, हम यहाँ पहुँच गए, तो ये हमारा डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ से हम चले थे, ये वाला डायरेक्शन कौन सी है, तो साउथ और वेस्ट के बीच की कौन सी डायरेक्शन आती है, तो आंसर क्या आएगा, साउथ वेस्ट, आंसर क्या आएगा, साउथ वेस्ट, यानी हम यहाँ से चले थे, स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है, आप यहाँ पहुँच गए, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट। ओके ये आंसर आएगा साउथ वेस्ट, अंडरस्टैंड।